हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन देखो क्या आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्क्राइब्स द लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो किस किस के बीच में लिंक करती है, वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा इन दोनों को लिंक करके रखती है। मतलब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे और अलजेब्रा के बारे में भी पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में क्या लिंक होता है, वो ही क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ से देखो, थ्रू ग्राफ्स इन्वॉल्विंग कर्व्स एंड लाइंस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू पढ़ेंगे, ग्राफ्स के थ्रू। ग्राफ में कर्व्स भी बन सकते हैं और लाइंस भी बन सकती है। नेक्स्ट देखो, इट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है। वेयर द पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब। जो इसमें क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ की कोई दो पॉइंट्स के बीच में लाइन बनाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, इन्हीं सब को डिस्क्राइब करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ देखो, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके कोई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं और फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, और लाइन का कोई दो पॉइंट है, ठीक है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल, और हम क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसे कोई तीन पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, तो हम उसका एरिया भी काउंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमें ये फिगर दे रखा है जिसमें एक्स डैश ओ और एक्स है और वाई ओ और वाई डैश है। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखिए, पहले हम इस फिगर को समझते हैं। लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू परपेंडिकुलर लाइंस। ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर लाइंस है इन एनी प्लेन। ये प्लेन है, ठीक है, जिस पर हम ग्राफ बनाते हैं, और इसकी ये कोई दो लाइन है एक्स डैश ओ और एक्स, ये एक पूरी लाइन, और वाई ओ और वाई डैश, ठीक है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ देखो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करना मतलब इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों लाइन्स क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है, एंड ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। और ये क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है जहां से ये स्टार्ट होते हैं। अगर एक्स आप पॉजिटिव मिलोगे तो इधर, और एक्स को नेगेटिव मिलोगे तो इधर, वाई को पॉजिटिव मिलोगे तो इधर, और वाई को नेगेटिव मिलोगे तो इधर। तो ये क्या है, यहीं से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, ओ को हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, आगे दे रखा है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें पता है, ये एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। और आगे दे रखा है, दस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इनको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर पॉइंट ओ पर। आगे हम देखेंगे, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इनको समझेंगे कि हमने ये ग्राफ किस तरह से बनाया है। तो यहाँ देखो, नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये पी पॉइंट लिया है हमने कोई, ठीक है, यहाँ से हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले इस पर दो लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, हमने दो लाइन ड्रॉ की, कौन सी, NP और PM, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, कौन से पॉइंट पर, यहाँ पे P पॉइंट लिया, ठीक है, X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे हमने ये दो लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ देखो, नाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM एंड PM फ्रॉम P ऑन X एंड Y एक्सिस। ये X एक्सिस हो गया और ये Y एक्सिस हो गया।
द लेंथ ऑफ सेगमेंट ओ एम। अब यहाँ देखो ये क्या है ओ एम, इस लाइन सेगमेंट की हमने लेंथ ली है एक्स, ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको हम नाम देंगे एक्स कोऑर्डिनेट। अगर ये एक्स पे बन रही है तो इसको हम नाम देंगे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ देखो सिमिलरली द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एन, अब हम किसके निकाल रहे हैं ओ एन की, ओ एन, ओ एन कहाँ पे है, ये क्या है, ये वाई है, ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल की तरह बन रहा है और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखो तो ये पॉइंट पी क्या हो गया, पी को हम कैसे डिनोट करेंगे, पी एक्स वाई, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे और दोनों को स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। तो यहाँ देखो ओ एन इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट पी, सिमिलरली द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एन, ओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी और इसको हम नाम देंगे वाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से पी एक्स वाई, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं, तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ हमने क्या लिया है एक्स डैश ओ और एक्स, ये एक्सिस हो गया एक्स कोऑर्डिनेट वाला, वाई ओ और वाई डैश, ठीक है, ये दोनों एक्सिस इस प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो बोथ एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर डिवाइड्स द प्लेन इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चारों को हम क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। तो जो फर्स्ट है ये वाला वो कौन सा है एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई वाला कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, ये वाई ओ एक्स डैश, ठीक है, वाई ओ एक्स डैश, ये कौन सा हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड हमने क्या लिया है एक्स डैश ओ और वाई डैश, एक्स डैश ओ और वाई डैश, ये कौन सा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, वाई डैश ओ और एक्स, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार इक्वल क्वाड्रेंट हो गए। अब यहाँ से देखो वी टेक ऑलवेज ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स, ओ से लेके एक्स तक और ओ से लेके वाई तक, ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, ये कौन सी ओ एक्स डैश और ये कौन सा है ओ वाई डैश, ये हो गई कौन सी नेगेटिव डायरेक्शन, ये दोनों तो अगर इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव और इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है, ये तो हो गई पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इस तरह जा रहा है डैश आ रहा है, इसको हम एक्स डैश को लिया है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इधर जाएगा तो भी नेगेटिव और इधर जाएगा तो भी नेगेटिव, इनको हमने लिया है नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह रहती है, मतलब पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है। तो यहाँ से देखो हमने ये टैबली बना ली है, यहाँ देखो हमने क्या माना था कि ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, इस साइड जा रहे हैं तो जीरो से ज्यादा होगी क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने ले लिया एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और अगर हम ओ से ओरिजिन से इस साइड जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव में जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है ओ एक्स और ओ वाई क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वाई भी क्या हो जाएगा y is greater than o, ठीक है, ये दोनों ही जीरो से बड़े हैं तो दोनों ही क्या आ जाएंगे पॉजिटिव में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि ओ एक्स और ओ वाई क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव होगा x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब यहाँ से देखो फर्स्ट की बात तो हो गई, सेकंड देखो, सेकंड कौन सा है ये वाला,
एक्स किधर गया, एक्स डैश मतलब बैक साइड में, जीरो से पहले। जीरो से पहले क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश क्या है, नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से कम आएगी। अगर हम इधर जा रहे हैं तो जीरो से ज्यादा, और अगर हम इधर जा रहे हैं तो जीरो से कम। तो जीरो से कम आएगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो हमने इसके लिए एक्स का साइन ले लिया नेगेटिव। पहले क्या होता है, पहले हम लिखते हैं एक्स की वैल्यू और देन हम लिखते हैं वाई की वैल्यू। तो इसमें एक्स इज लेस देन जीरो और वाई क्या हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि वाई तो अभी इधर ही है। y o x डैश ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो y की वैल्यू तो इसी पे आ रही है, जीरो से ज्यादा आ रही है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x तो नेगेटिव हो जाएगा और y की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। थर्ड देखूंगी, थर्ड है हमारा x। ये देखो x डैश o और y डैश, इसमें देखो अभी x की वैल्यू क्या है, जीरो से कम है। तो जीरो से कम है मतलब नेगेटिव आएगा, तो x इज लेस देन o, ठीक है। अब यहां देखो y इस साइड जा रहा था तब तक पॉजिटिव था, लेकिन y जीरो से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो नेगेटिव में जाते ही यहां से क्या आया, x इज लेस देन जीरो और y इज लेस देन जीरो, तो दोनों ही यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी दोनों नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ये वाला x o और y डैश, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, x में आ गए, x एक्सिस पे आ गए हम। तो o x की वैल्यू तो पॉजिटिव थी, हमने पहले ही पढ़ लिया कि o x क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ कोई भी x की वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी होगी। तो जीरो से बड़े होने का मतलब क्या है, जीरो से बड़े होने का मतलब है x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज लेस देन जीरो, y इस साइड पे, इस पे बन रहा है, इस एक्सिस पे बन रहा है y की वैल्यू, तो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि o y डैश क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये चारों आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, सेकंड में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हमने यहाँ पर एक्सिस लिया है x o x डैश और y o y डैश, ये दो एक्सिस लिए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। इस पर हमने कोई दो पॉइंट इस तरह से लिए, देखो x और y ये एक्सिस हो गई, ठीक है। इस पे हमने कोई दो पॉइंट इस तरह से लिए हैं p और q, ठीक है। ये कोई दो पॉइंट है p और q, P पर क्या है x1 y1 और Q पर क्या है x2 y2, क्यों है, क्योंकि सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं और फिर y की वैल्यू रखते हैं। तो पहले जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो x1 ले लिया, नेक्स्ट जब Q पॉइंट पर हम x की वैल्यू देखेंगे तो x2 y2 इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो ये कोई दो पॉइंट है P और Q, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो आगे क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड टू पॉइंट्स इन द प्लेन आर पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू, और इस पर कोई दो पॉइंट है पी और क्यू, पी पर एक्स वन वाई वन है और क्यू एक्स टू वाई टू है, ठीक है। आगे दे रखा है वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P एंड Q ड्रॉ परपेंडिकुलर PM एंड QN रेस्पेक्टिवली ऑन X एक्सिस, यहाँ पर क्या करेंगे, कोई दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे P से X एक्सिस पर, ये दोनों किस पे हैं, X एक्सिस पे बन रहे हैं, ठीक है।
ये x है और ये x डैश है। तो यहां से P से हमने पी एम ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब हम Q से क्या कर रहे हैं, Q से हम एक और लाइन खींच रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है क्यू एन। यहां से हमने ये ड्रॉ कर लिया। देन हम क्या करेंगे, एंड ड्रो परपेंडिकुलर पी आर फ्रॉम पी टू क्यू एन। ये P से इस क्यू एन लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन पी आर बनाएंगे। तो हमारा ये जो फिगर है वो ही कौन सा है, ये वाला। तो यहां से देखो कोई दो पॉइंट थे पी और क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इस एक्स एक्सिस पे पी एम और क्यू एन ये दो परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। फिर हमने किया कि P से इस क्यू एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की पी आर। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। P तो क्या है x1 y1 और Q क्या है x2 y2। अब यहां से देखो ये ओ एम जो है O से लेके M तक ये क्या है x1 है, O से लेके M तक ये हमने मान लिया x2। हम x ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये x एक्सिस पर बने हुए हैं, ठीक है, x1 और x2। O से M तक x1 और O से M तक x2 हो गया, ठीक है। देन हमने लिया है y की वैल्यू, y किधर है इस पर PM, PM क्या है y1 है और QN हमने लिया है y2, ठीक है। अब हम यहां से डिस्टेंस निकालेंगे P से Q के बीच में। कैसे निकालेंगे, यहां देखो PR is equals to MN। ये जो PR है वो किसके इक्वल है, MN के। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहां से ये देखो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है जिसमें PR किसके इक्वल हो जाएगा, MN के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब MN ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे आप, ओ से लेके एन, ओ से लेके एन माइनस ओ एम। जब आप ओ एन यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसमें से ओ एम माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एम एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एम एन इज इक्वल टू ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन की वैल्यू यहां से क्या थी, ओ एन की वैल्यू थी हमारे पास x2। तो x2 माइनस ओ एम, ओ एम क्या है x1। तो एम एन क्या आ गया, x2 माइनस m1, x2 माइनस x1, ठीक है। और ये एम एन किसके इक्वल है, पी आर के। तो P से लेके R तक इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है Q R, Q R, Q से लेके R तक ये वाला देखो Q R। अब हमें इसकी डिस्टेंस को फाइंड करना है। अब हम कैसे निकालेंगे, Q R क्या है, Q N माइनस R N। जब आप Q N में से R N माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q R की। लेकिन यहां से देखो ये आर एन किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम के। और पी एम हमने क्या लिया है, वाई वन। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई टू माइनस वाई वन, क्योंकि क्यू एन की वैल्यू तो हमारे पास गई वाई टू। और आर एन किसके इक्वल है, आर एन इक्वल है पी एम के, और पी एम की वैल्यू क्या थी, वाई वन। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई टू माइनस वाई वन। तो हमारे पास ये आ गया क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। अब हमें, हमने इन दोनों के डिस्टेंस क्यों निकाली, PR और QR, इन दोनों के डिस्टेंस हमने इसलिए निकाली ताकि हम बोधायन प्रमेय लगाकर PQ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कवर कर लें। तो अब हम निकालेंगे P से Q के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें निकालना है PQ, PQ की डिस्टेंस निकालनी है। तो बोधायन फॉर्मूला से क्या होता है, ये जो है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर पी आर, पी आर की वैल्यू यहां से देखो क्या है, यहां से वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स वन इसका स्क्वायर, प्लस आर क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू माइनस वाई वन इसका स्क्वायर, हमें स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें ओनली पी क्यू चाहिए, तो यहां से इस पर रूट लग जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कोई दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर क्या लगा होगा? अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं।